हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं लेकर हाजिर हूं अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज तांडव का रिव्यू लेकर। अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो 1 से 5 के स्केल में मैं तांडव को दूंगा 4। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लोगों को सैफ अली खान सीक्रेट गेम्स के बाद एक बार फिर से एक नए अवतार में, एक पॉलिटिशियन के अवतार में इस वेब सीरीज में थे। और चूंकि इसे बनाया है अब्बास अली जफर ने, जो इससे पहले टाइगर जिंदा है और बहुत सारी मेरे डैड की दुल्हन जैसी फिल्में बना चुके हैं, सुल्तान जैसी फिल्में बना चुके हैं, तो अब्बास अली जफर का ये पहला वेब शो है तो बहुत उम्मीदें थी लोगों को। और वेब सीरीज देखकर मैं ये कहूँगा कि इस बार उन्होंने घट के कोशिश की है। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, पॉलिटिशियंस पर प्रकाश झा और मधुर भंडारकर जिस तरह की फिल्में बना रहे थे कुछ उस जोन में है, यानी एक रियलिज्म लिए हुए ये शो है। कहानी में सभी कलाकारों का काम बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी करीब 10 के करीब काफ़ी लोकप्रिय कलाकार हैं और मुख्य भूमिका में सैफ अली खान एक प्रधानमंत्री के बेटे बने हैं, तो वो एक साजिश रचते हैं कि अपने पिता जो देश के प्रधानमंत्री उनको मारने की खास इलेक्शन से 2 दिन पहले, और वो मार भी डालते हैं और उसके बाद कैसे वो खुद पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। उसके पहले एक कहानी चल रही है कॉलेज पॉलिटिक्स की, जिसमें जीशान अयूब का किरदार है जो शिवा बने हैं, और कैसे उनकी कहानी मतलब कॉलेज के पॉलिटिक्स और राजनीति कैसे मिलकर जो एक राजनीति का रंग दिखाती है और फिर जो तांडव होता है, यह इसकी कहानी है। तो कहानी दिल्ली की पॉलिटिकल ड्रामा है। इससे पहले नेटफ्लिक्स के इंटरनेशनली हम काफ़ी सारे पॉलिटिकल ड्रामा देख चुके हैं, US के और मेक्सिको के, कुछ उसी जोन में यह है। भारतीय पॉलिटिक्स की जो जो राजनीति की राजनीति जो है वो इसमें दिखाई गई है, तो काफ़ी कुछ एजी ये है, मतलब इसमें बहुत तेज फास्ट पेस कहानी चलती है। सैफ अली खान का काम अच्छा है सेक्रेट गेम में, जहां वो एक पुलिस वाले बने थे, इस बार पॉलिटिशियन बने, एक शार्प पॉलिटिशियन बने हैं। थोड़ा सा उनका नेगेटिव, फिल्मी भाषा में कहा जाए, एक ग्रे रोल है, और साथ में उनके डिम्पल कपाड़िया का एक लंबे समय के बाद पर्दे पर दिखना, वो भी डिजिटल में दिखना, काफ़ी इट वॉज रिफ्रेशिंग। शी ऑल्सो प्लेज अ कनिंग काइंड ऑफ स्टेप मदर टू सैफ अली खान, एंड हाउ द डायनेमिक्स चेंजेस गद्दी के लिए, तो वही इसकी मूल कहानी है कि पॉलिटिक्स तो सभी करते हैं लेकिन जब पॉलिटिशियन खुद पॉलिटिक्स का शिकार हो जाए तो क्या होता है, वही होता है यहाँ पर, तो तांडव में भी वही हो रहा है। इसके साथ साथ शो में काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार हैं। तिग्मांशु धूलिया सैफ के पिता यानी प्रधानमंत्री का रोल निभा रहे हैं, और उनके साथ कुमुद मिश्रा हैं जो एक सीनियर उनकी पार्टी के लीडर बने हैं, और इसके अलावा सारा जान डायस जो बनी है सैफ की बीवी, गौहर खान डिम्पल के साथ हैं, कृतिका कामरा और जीशान अयूब अलग कॉलेज स्टूडेंट्स के रूप में हैं, और इन सब के बीच में है सुनील ग्रोवर जो सैफ अली खान के राइट मैन हैं। इसके अलावा ढेर सारे और कलाकारों की छोटे छोटे कहानियाँ, केमियोज, ट्रैक्स हैं, तो कुल मिलाकर कुछ हटके हैं 2021 में जो ये 4-5 वेब सीरीज रिलीज हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें तांडव के साथ थी। आई थिंक वेब सीरीज़ पर जिस तरह का कंटेंट आता है उसमें ये काफ़ी अच्छा है, तो अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूँ तो 1 से 5 के स्केल में मैं तांडव को दूंगा 4, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप बने रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गया। No, that's why I didn't give it 5, because politics ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा heaviness हो जाती है। I think थोड़ा बहुत lighter moments होने चाहिए थे जो इस web series में मुझे नहीं मिले। बहुत तेज़ी से कहानी बढ़ती है, but I think that's what I think is needed. But anyways, 4 इसलिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बनाई है, अब्बास अली जफर का काम इसमें नज़र आता है, एक अच्छी राइटिंग, एक अच्छा डायरेक्शन दिखता है, और ज़्यादातर शूटिंग जो सैफ अली खान की पोर्शन उनके अपने महल पटौदी जो हाउस है वहाँ पर हुई है, और इसके अलावा दिल्ली की जो पूरे मिलियों को दिखाया गया है, और सबसे खास बात जो मेन अट्रैक्शन है कि किसानों का जो आंदोलन आजकल चल रहा है वो भी इसमें दिखाया गया है, और साथ साथ JNU की पॉलिटिक्स जो पिछले साल छाई हुई थी वो इस वेब सीरीज़ के मेन मुद्दों में से है, यानी पॉलिटिक्स के साथ साथ ये 2 मुद्दे चलते हैं। किसानों का जो मुद्दा आजकल हम देख रहे हैं तमाम न्यूज़ चैनल्स पर, तो वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। कहानी फिक्शनल है लेकिन काफ़ी कुछ सत्य घटनाओं से प्रेरित है, तो इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ शोज, अगर आपने नेटफ्लिक्स पर ग्राउंड वगैरह जैसे मैंने बताया बहुत सारे पॉलिटिकल ड्रामाज आप पसंद करते हैं, तो इस बार स्टार स्टडेड वे में अब्बास ने उसी को दिखाने की कोशिश की है, काफ़ी मेहनत से बनी हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो इफ़ यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ एजी काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट, दैन दिस इज समथिंग यू लाइक। तो तांडव में वही सब है, हाँ लाइटर मोमेंट्स नहीं है, मैंने कहा जो कमी मुझसे मुझे थोड़ी खटकी, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही
थोड़ी डायबॉलिकल हो जाती है, जहरीली हो जाती है, तो आई थिंक वो ही इसमें दिखाया गया है। कैरेक्टर सब ग्रे हैं, बहुत ही कम कोई पॉजिटिव कैरेक्टर इसमें नजर आता है, बट दैट्स ऑल द फॉर्मैट्स दैट्स वर्किंग। सो गाइज, इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट, आई थिंक तांडव इज अ गुड ऑप्शन। इफ यू लाइक सेक्रेड गेम्स, यू लाइक मिर्जापुर, देन दिस कम्स इन बिटवीन। सो चेक इट आउट, मैंने अपनी रेटिंग दे दी है। देखें आप कलाकारों का, जो बॉलीवुड के कई कलाकारों का उम्दा काम, टीवी के कई कलाकारों का इसमें उम्दा काम आपको नजर आएगा। सो दैट्स अमेज़न प्राइम पे तांडव, विच इज स्ट्रीमिंग। गो गाइस एंड चेक इट आउट।